जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत नज़ीर और आज मैं बात करना चाहूंगा, जो हमने उनवान लिया है, जो टॉपिक लिया है वो है कि जी सिंध पुलिस से मुराद मेरी इस वक्त वो लोग हैं, वो अफराद हैं, वो अमला है जो काली वर्दी पहनता है। कि जी सिंध पुलिस सिंध का लीस्ट करप्ट इदारा है। लीस्ट करप्ट का मतलब होता है कम तरीन, यानी अगर कोई सिंध के इदारों में सबसे कम करप्शन कोई करता है तो वो सिंध पुलिस है। अच्छा, अब इसमें चौंकने की बात नहीं है। अब इसमें दो तरह के लोग इसमें काइंडली कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा जो कि पोस्ट के अगेंस्ट हो। की वजह बता दूं, अगर आपका ताल्लुक सिंध में 4 से 5 महकमों में आज तक नहीं पड़ा है तो आपकी कोई भी जो इनपुट है, जो कमेंट की सूरत में आप इनपुट दे रहे होंगे, वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अगर आपका आज तक सिंध पुलिस के अलावा किसी दूसरे महकमे, यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन है, यानी FBR है, यानी FIA है, यानी वो इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुई सदरन गैस कंपनी है, इसके अलावा एक लिस्ट है इदारों की, अगर आपका इदारा KMC से नहीं पढ़ा है, DMC से नहीं पढ़ा है, और आप फिर ये कमेंट कर देते हैं कि नहीं जी सिंध पुलिस करप्ट है, तो काइंडली बिलीव मी, आपसे ज्यादा मासूम इंसान मेरी नजर में कम अज कम कोई नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनके वालिद या चचा या बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार या वो खुद किसी दूसरे सरकारी महकमे में काम नहीं कर रहे। असल में हुआ कुछ यूं है कि सिंध पुलिस पे पूरा करप्शन का बोझ डाल के KDA ने, KMC ने, DMC ने, SBCA ने, FIA ने, सुई सदरन गैस कंपनी ने और दीगर तमाम इदारों ने अपनी जान छुड़ाई है कि जी अगर करप्ट है तो कौन है? सिंध पुलिस। मेरा ताल्लुक कमोबेश आज तक तमाम के तमाम इदारों से पड़ा है, जिसमें अगर मैंने किसी महकमे को कम तरीन, ना मेरे वालिद, ना मेरे दादा, ना मेरे चचा, कोई भी शख्स पुलिस में नहीं था, तब भी मैंने इनको करप्ट तरीन सतह में सबसे कम पाया है। मैं नहीं कह रहा कि सिंध पुलिस करप्ट नहीं है, बिल्कुल करप्ट है, मगर अगर कोई लीस्ट करप्ट डिपार्टमेंट सिंध में बनाया जाएगा, और हम आज इस वीडियो में ये बात साबित करेंगे, ये बताएंगे, एक एक करके महकमा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि किस महकमे में किस लेवल पे करप्शन चल रही है। अच्छा जी, बात ले लेते हैं। सबसे पहले सिंध पुलिस को करप्ट तरीन महकमा बताने के लिए बता दूं, कभी आपका वास्ता पड़ेगा, कभी वो आपको चाय पानी बाखुदा, यानी वो चाय के पैसों के बदले में भी आपकी जान बख्श देंगे। उनकी आंखों में आपको मोहब्बत, आपको उनकी आंखों में कई बार शर्म आ जाती है उन लोगों को पैसे लेते हुए, कई बार वो छुप के पैसे लेते हैं, कई बार शर्म आ जाती है उनको। बट अगर हम बात करना शुरू करें करप्ट तरीन इदारों में, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा एक्साइज एंड टैक्सेशन। एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट वाकया है सिविक सेंटर कराची में, कभी आप जाइए वहां पे, हलाकू खान, वहां पे चंगेजी, चंगेज खान, रिश्वत लेने वाले, यानी वो कहते हैं कि अगर हम कायदे आजम की शक्ल देखे बगैर आपका काम कर दें तो हमारे पैदा होने पे लानत है। आप उनके जुमले सुन के हैरान हो जाएंगे कि रिश्वत खोरी की मद में, हराम खाने की मद में वो कितने आगे जा चुके हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट करप्ट, जहां पे रिश्वत का बाजार हर वक्त गर्म रहता है, वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट। और एक जमाने में हम भी गए J3154, हमने जाके बताया कि जी हमने दी भाई को गिफ्ट गाड़ी, भाई चला गया जेल, भाई की बीवी ने उठा के गाड़ी किसी को बेच दी, आज की तारीख में गाड़ी चलती है रोड पे और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, थाने में बता दिया, थाने ने कहा जाओ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, हर हर महकमे ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बट वहां के लोगों ने बताया, खैर हमने उनसे रिसीविंग ले ली, बट वो कहते थे कि हमारी पैदाइश पे लानत हो जाए अगर हम कायदे आजम की शक्ल देखे बगैर काम कर दें। यह था एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का हाल। दूसरे पे चलते हैं, केएमसी डीएमसी के लिए तो आप कहीं भी ना जाइए, केएमसी डीएमसी के लिए आप सिंपल जाइए एक पान की दुकान पर जहां से आप सब्जी लेते हैं, उस सब्जी की दुकान पर जहां से आप फल लेते हैं, फल वाले से, वो आपको बताएगा कि चाहे वो डीएमसी के एरिया में आ रहा हो, वो केएमसी के एरिया में आ रहा हो, या कंटोनमेंट के एरिया में आ रहा हो, वो आपको बताएगा कि भाई मैं 4,000 रुपए महाना, हफ्ते का 1,000 रुपए मैं इन लोगों को देता हूं सिर्फ अपना ठेला, सिर्फ अपना ठिया, सिर्फ अपना हलाल कमाने के लिए। इन डीएमसी वालों के लिए, इन केएमसी वालों के लिए, इन कंटोनमेंट बोर्ड वालों के लिए जितनी बद्दुआएं एक गरीब निकालता है, बखुदा वो कभी किसी पुलिस वाले के लिए नहीं निकालता, क्योंकि पुलिस वाला उसकी जान कई बार एक सेब उठा के,
एक आम उठा के एक आधा किलो सब्जी पे उसकी जान छोड़ देता है। डीएमसी केएमसी उस गरीब का ठेला, अगर आप हकीकत में उसके खिलाफ होते, उसे क्रश करते, तो उसे भी लेसन मिलता और वो जाके किसी पक्की दुकान पर बैठता। मगर नहीं, डीएमसी हो गया, केएमसी हो गया, वो उस गरीब का ठेला उठाते हैं, उस ठेले को लेकर जाते हैं, फिर वहां पे जाके उस गरीब से सेटिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और उससे साज बास करके उसको छोड़ते हैं। ये डीएमसी केएमसी का हाल है। ये आपको आपके मोहल्ले में फल वाला बता दिया, पान वाला बता दिया, सब्जी वाला बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएगा कि उससे पुलिस वाले कितने पैसे ले जाते हैं और डीएमसी केएमसी कितना पैसा ले जाता है, फिर आपको पता चलेगा कि करप्ट कौन है। अब आ जाते हैं जी वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड का आप बिल भरते हैं, जरा समझिएगा कि पुलिस तो आपसे उस वक्त पैसे लेती है जब आप चर्स पीते हुए पाए जाते हैं, जब आप चर्स की टुकड़ी ले जाते हुए पाए जाते हैं, जब आप शराब की बोतल के साथ पकड़े जाते हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि आप राइड जाते हुए पुलिस आपको तंग कर दे, पुलिस आपसे पैसे ले, बहुत से बहुत खड़ा करेगी, रोकेगी, थोड़ा सा आपका टाइम जाया करेगी, कई बार जान पहचान पे सिर्फ आप एक रेफरेंस बता देंगे वो आपको छोड़ देगी। बट ये केएमसी, ये डीएमसी, ये एसबीसीए, ये केडीए, ये सुई सदरन गैस कंपनी, यहां तक के महकमा तालीम अगर आपको इस बात पे छोड़ दे कि आपकी कोई जान पहचान है एफबीआर, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। पुलिस सिंध का लीस्ट करप्ट इदारा है। आगे चलते हैं। अब बात कर ली जाए आपके वाटर बोर्ड की। कानों को हाथ लगाएंगे आप, पहले तो उस शख्स से जो लाइन मैन है उससे आप उसकी तनख्वाह पूछेंगे कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, फिर आप अपना बिल देखेंगे कि आप वाटर बोर्ड का बिल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मकान बेचने पर आपने भरना ही भरना है वाटर बोर्ड का बिल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वाटर बोर्ड का बिल किसी मकान पे जाके पे ना करें, कहीं ना कहीं जाके आपको विद पेनल्टी पे करना पड़ता है। बट ये वाटर बोर्ड का लाइनमैन और ऊपर तक एक्सीएन, ये आपके घर पर पानी पहुंचाने का सिर्फ टाइम बताने के लिए गुलिस्ताने जोहर में 15,000 रुपए एक बिल्डिंग से लिया जाता है। इसी तरह से हमारा एक जमाने में वास्ता पड़ा था, तो जमील, जमील नामी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्साइज एंड टैक्स एजेंट में चंगेजी और हलाकू खान जैसे लोग पाए जाते हैं, इसी तरह से जमील नाम आपको बहुत मिल जाएगा। कई बार वो इंस्पेक्टर लगा हुआ होगा, कई बार क्लरिकल स्टाफ में लगा होगा, तो नाम बताए जाएंगे। किसी पुलिस वाले ने अगर आपसे कभी पैसा खाया तो आप बताइए कि उसने कितना खाया है और आया कि उसके बाद काम किया या नहीं किया। तो यहां पर तो केबीसीए एसबीसीए उन बातों पे आपसे पैसे लेती है जिसपे पैसा बनता ही नहीं है। यानी आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में टाइम बताने का कि इस टाइम पर मैं पानी खोलूंगा, वो कुत्ते का बच्चा पैसे लेता है 15,000 रुपए किस बात के, और तब भी करप्ट कौन है? पुलिस करप्ट है भाई, पुलिस करप्ट है। क्यों? क्योंकि यही लोग जो केडीए में, एसबीसीए में, केबीसीए में और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जैसे महकमों में बैठे हुए, सुई सदरन गैस के महकमे में बैठे हुए, यही लोग पैसे उठाते हैं और पूरा का पूरा बर्डन जब बात आती है कि किस पे डाला जाए तो पुलिस के ऊपर। जी करप्ट पुलिस है, उन्हें शर्म आती है कभी वो लोग। इसीलिए कमेंट करने से पहले, अगर उनके वालिदैन या वालिद काम करते हैं सिंध पुलिस के अलावा दीगर महकमों में, तो अब सिंपल आप उनसे बोलेंगे कि अब्बा मेरे सर पे हाथ रख के बता दो कि तुम्हारा महकमा करप्ट ज्यादा है, तुम लोग रिश्वत ज्यादा लेते हो, या पुलिस वाला हकीकत में ये लड़का जो बता रहा है कि सिंध पुलिस आपको 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए और आंखों में शर्म के बाद वो आपको कई बार वैसे ही छोड़ देगी। और अगर जुर्म किया है तो जुर्म के बाद अगर पैसा ले लिया तो कौन सा कमाल किया। दूसरी जानिब हमने बता दिया कि वाटर बोर्ड आपको आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में पानी कब खुलेगा, वो जलील, वो हरामखोर, वो कुत्ते का बच्चा, वो आपको सिर्फ ये टाइम बताने के लिए 15,000 रुपए चार्ज करता है, जबकि आप कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का बिल भर रहे हैं। उस बात पर भी आपका लाइनमैन 15,000 रुपीज लेगा। दिस इज द रेट इन गुलिस्ताने जौहर लिया जाता है कि भाई इस टाइम पर आपकी बिल्डिंग का पानी खुलेगा। अब आगे चलते हैं, महकमा तालीम की बात कर लेते हैं। मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इनके पास करप्शन के मैं कहता हूं इतने जरिए हैं और इतने ज्यादा आप देखेंगे कि जहन काम कर रहे होते हैं। पुलिस वाला कभी इन डिटेल्स में जाता ही नहीं है, वो तो कहीं जुर्म होते हुए देखता है, किसी मुजरिम को पकड़ता है, तब जाकर वो ये बात कर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे तालीमी इदारों की, तो चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, या इसी तरह की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल काम कर रहा होता है कि आपके नाम की मैचिंग की जाती है। लेट सपोज आपका नाम मोहम्मद अली है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत सस्ते में आपको
तमाम तरह की डिग्रियां दे देंगे किसी मोहम्मद अली ने जब मैट्रिक किया था, क्योंकि डिग्री पे तस्वीर नहीं होती। इसीलिए कोई भी जो शख्स था जो गुजरा जिसमें थोड़ी सी अकल थी, उसने मैट्रिक की मार्कशीट पे कम से कम, जब तक सर्टिफिकेट्स के ऊपर तस्वीर ना आ जाए, आप समझ जाएं कि महकमा तालीम और महकमा तालीम में काम करने वाले लोग पुलिस से ज्यादा करप्ट हैं। उन्होंने जानबूझ के ये गैप छोड़ा हुआ है कि जी उसके ऊपर तस्वीर ही नहीं है, तो मोहम्मद अली साहब जब आएंगे और उनको मैट्रिक करना होगा तो उनको मैट्रिक करवाया जाएगा, किसी मोहम्मद अली ने मैट्रिक किया होगा। बड़ा आसान सा, बहुत सिंपल सा नाम है, बड़ी आसानी से मैचिंग हो जाएगी, इस तरह इनको इंटर करवा दिया जाएगा, फिर इनको ग्रेजुएशन करवाई जाएगी। और मोहम्मद अली अगर डॉक्टर भी बनना चाहेगा, इवन के पायलट्स, अभी कोई 100 से ऊपर पायलट्स पीआईए में पकड़े गए हैं, तो वही वाली बात है, जो उनका नाम इतना क्लियर सा होगा तो उनको हर जगह पे कि मोहम्मद अली और वल्द अकबर अली या वल्द सदाकत अली, कोई भी उनका नाम होगा, बड़ी आसानी से उन लोगों को डिग्रियां मिल जाएंगी। ये बात थी महकमा आपके तालीम की। अब हम आगे चलते हैं। पासपोर्ट कभी बनवाया आपने? बनवा के देखें, बड़ी आसानी से जमाने में गया रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला। आप लोगों का प्रॉब्लम यह कि आप लोग कुरान पाक पे ईमान लाने को मुकम्मल तैयार नहीं है, आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आपके खानदान में कोई करप्ट है। आप कहते हैं हमें क्या पता, जैसे ही बात आती है अपने खानदान की तो आप कहते हैं हमें क्या पता हमारे खानदान में कौन करप्ट है, हम नहीं जानते। उस वक्त ऐसे नन्हे चूजे बन जाते हैं जैसे कि अभी अभी पैदा हुए। तो भाइयों, इसके ऊपर भी हम बता चुके हैं कि बड़ी आसानी से आपके खानदान में कौन करप्ट है, वरना मुझे वही वाली बातें, भाई लाख रुपए दे देना, मैं बता दूंगा कौन कौन करप्ट है, उनके नंबर बता देना, मैं बता दूंगा इस वक्त इसने करप्शन की है, इतना इतना पैसा लिया है, पैसा चार्ज होगा, उसका पैसा चार्ज होगा, वो डेफिनेटली उसको लीगल कहोगे। खैर जी, शनाख्ती कार्ड और नादरा के अमले ने जितना गदर मचाया और जितने अफगानी, जितने बंगाली, हम पाकिस्तानियों के सर मुड़े गए हैं, हमारे सर मारे गए हैं, वो नादरा यानी आपकी सोच है कि बंगालियों को और अफगानियों को जिसने भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिया है, उसने, मैं कहता हूं, गुनाहे अजीम। यानी आप उस वक्त आकर एक्साइज एंड टैक्सेशन को एक तरफ कर देंगे, आप कहेंगे भाई तुम लोगों ने किया क्या, अपनी भी नस्लें, हमारी भी नस्लें ना सिर्फ खतरे में डाली बल्कि उनके ऊपर बम धमाके, उनके ऊपर यानी हर तरह से तबाहो बर्बाद करने में वो नादरा का हमला। बट करप्ट कौन है? करप्ट सिंध पुलिस है भाई, सिंध पुलिस करप्ट है, हमारे खानदान में तो कोई करप्शन करने वाला है ही नहीं। और फिर एक तंजीम गुजरी है जिसने, मैं कहता हूं कि अगर कोई लड़की मुझे मुल्तान तक ले जाए और मुल्तान जाके मुझे पता चले कि वो लड़की ही नहीं थी, मेरी हालत क्या होगी। तो यहां पर भी एक तंजीम गुजरी है जिन साहब ने बहुत दूर ले जाकर बताया कि वो साहब कर क्या रहे थे। उनका भी बड़ा मजे का फलसफा था कि उन्होंने कुछ बंदर सुधाए थे और जब वो अपने सामने करते थे वो कहते थे खामोश, तो लोग खामोश हो जाते थे। उसे लोग कहते हैं कि भाई वो तंजीमी ढांचा था। अबे भाई, बंदरों को सामने बिठाकर उन्हें एक बार बता दिया जाए कि खामोश, तो लोग खामोश हो गए। और बाद में, यानी इस वक्त एक छोटी सी बात हम आउट ऑफ वे जाके बता रहा हूं कि जरदारी साहब और मिस्टर अल्ताफ हुसैन में फर्क यह पाया गया, और गलती कहां पर हुई, और वो गलती 20-25 नहीं बल्कि 30 साल पीछे छोड़ आई है उन लोगों को। यानी जिस वक्त एक लीडर ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया था, अगर वो सारे खड़े हो जाते और लीडर पर लानत भेज देते तो आपकी जॉब्स, आपको इस सूबे के अंदर इज्जत मिल जाती, और फिर कम से कम आपको दूसरे दर्जे का शहरी नहीं समझा जाता, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने वाले को डेफिनेटली, और उसका साथ देने वाले को भी 110%, दूसरा तीसरा क्या मैं चौथे दर्जे का शहरी ना बनने दूं। आप किस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो जरदारी साहब ने क्या किया था, किसी ने, या उन्होंने प्लान करके, या कि किसी ने जी वो बेनजीर की फौत पे डेथ के ऊपर कह दिया पाकिस्तान ना खपे, तो उन्होंने कहा नो, पाकिस्तान खपे, दैट इज द गेम। तो वही वाली बात है, इसीलिए जरदारी साहब के फहमो फरास्त को सलाम किया जाता है। वापस आते हैं, ये टॉपिक नहीं है हमारा। हमारा टॉपिक है सिंध पुलिस लीस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। आगे चलें, किस डिपार्टमेंट पे आप आना चाहेंगे, जिस डिपार्टमेंट पे आप उंगली रख दें, यानी महकमा एंटी करप्शन। जिस वक्त आप महकमा एंटी करप्शन पे उंगली रख दें तो आपको पता चलेगा कि अगर करप्शन, जिसका काम ही एंटी करप्शन था, आप कोई भी जाके करप्शन की शिकायत कर दें, आपके गले आ जाएगी।
आपके गले आ जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मैंने किया क्या कि मैंने एंटी करप्शन में जाके बताया कि जी करप्शन हो रही है, कहानी आपकी। इस तरह से एंटी, ये जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स डिपार्टमेंट में कभी आप जाके बताएंगे जी यहां पे ड्रग्स बिक रही है, आपको पता चलेगा कि आपने किया क्या। यानी कहने का मतलब, सुई गैस लगानी है आपने, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको मकान बनाना है, वो चाहे मकान बाद में गिर जाए कोई इंक्वायरी नहीं होगी। केडीए एसबीसीए वालों को तो इसीलिए मैंने बड़ा देखा है कि केडीए और एसबीसी से रिटायर्ड होने वाले लोगों के बेटे कभी भी मैंने सिरे चढ़ते हुए नहीं देखे। उनके दामादों को भी मैंने देखा है कि भाई वो हिल के पानी नहीं पीते। कोई कारोबार करवाया जाता है, वो कारोबार डूब जाता है। बेटी ब्याही जाती है, वो रिटर्न माल बन के आ जाती है, फिर कहते हैं अल्लाह की मर्जी। पेंशन आपकी 18-19 ग्रेड में लाखों रुपए की पेंशन चल रही है, आपने करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी है, बट करप्शन में आप इन्वॉल्व नहीं थे। करप्शन किसने की है जी? करप्शन किसने की है? सिंध पुलिस ने करप्शन की है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। अभी एफबीआर के अंदर कोई शख्स थे हमारे जानने वाले, उन्होंने कहा जी मैंने 3 लाख रुपए दिए। मैंने कहा मुझे बता देते यार, बट हमें 1.5 लाख रुपए देते हुए उनकी जान चली जाती, हमें 1.5 लाख रुपए देते हुए जान चली जाती कि सिंध पुलिस करप्ट है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पुलिस से, बट एफबीआर 3 लाख रुपए ले ले, वो करप्ट नहीं है। वो एफबीआर में आपने 3 लाख रुपए रिश्वत दी, वो करप्ट नहीं है। करप्शन सिर्फ सिंध पुलिस कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी महकमे के अंदर कभी आप नोट कीजिएगा कि किसी का जानने वाला बैठा हुआ हो, जब भी चर्सी हो, मवाली हो, मैं कई बार देखता हूं, फौरन से जब वो जान पहचान बताएंगे तो कहेंगे जी पुलिस में हमारी एएसआई से भी अगर जान पहचान हो जाती है ना तो उसका नंबर और नाम सेफ करते हैं। केडीए वाले का नंबर नाम सेफ नहीं किया जाता, वो करप्ट तरीन आदमी हो, वहां रिश्ता करते हुए इन्हें तकलीफ नहीं होती। पुलिस वाले से रिश्ता करते हुए तकलीफ हो जाती है कि नहीं यार ये पुलिस वाला है, रिश्ता करते हुए तकलीफ हो जाएगी, मगर उसका नंबर सेफ करते हुए, उसकी जान पहचान बताते हुए इन चर्सियों को, इन मवालियों को, इन झूठों को, इन मुनाफिकीन को शर्म नहीं आती कि वो ना सिर्फ उसका नंबर सेव करते हैं बल्कि लोगों को बाकायदा बताते हैं कि भाई वो एएसआई हमारा जानने वाला है। और लंबी फेंकनी होती है तो चलो एएसआई किसी का जानने वाला हो जाता है, चर्सी कहीं चर्स पीते हुए पाया जाए तो आईजी उसका जानने वाला निकल आता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पुलिस को करप्ट कहने में। लास्ट महकमा मैं आपको बताऊंगा, ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जाके आप घरों की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक एक घर की रजिस्ट्रेशन पर, एक एक घर की रजिस्ट्रेशन पर लाखों रुपए कमाए जाते हैं, लाखों रुपए की रिश्वत चल जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, मगर वो करप्ट नहीं है भाई, सिंध पुलिस करप्ट है। तो काइंडली कमेंट जो लोग करें उनकी जाके प्रोफाइल जरूर चेक कीजिएगा, और ये जरूर चेक कीजिएगा कि आया कि अगर कोई शख्स अभी भी डिफेंड कर रहा है तो उसकी एज कितनी है। ये देखेंगे कि भाई बहुत से बहुत अगर वो गुटखा खाते हुए पकड़ा गया और उससे 50 रुपए पुलिस ने ले लिए, अबे भाई जिस दिन तुम एफबीआर के, जिस दिन तुम एसबीसीए के, जिस दिन केडीए के, डीएमसी केएमसी जो गरीबों के ठेलों पे 4,000-4,000 रुपए उठा रहा है वो करप्ट नहीं है, बट अगर एक पुलिस वाला उठा के एक सेब खा ले तो वो करप्ट है, उसकी मूवी बनेगी भाई, उसकी मूवी बनेगी। डीएमसी उठा के किसी गरीब का ठेला ले जाए और वो थोड़े अरसे अगले दिन वहीं ठेला खड़ा हुआ है, वहीं पे उसका काउंटर लगा हुआ है, वो सब सही है, उसके बाद सब सही हो गया। अबे भाई उठा के लेकर गए, पूछो। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि काइंडली मुनाफिकीन जरा सा जागेंगे, जरा सा सोचेंगे, पुलिस इज द लीस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। जो लोग नेगेटिव कमेंट करें इस बात के खिलाफ, उनकी प्रोफाइल को देखें, उनकी एज को देखें, उस बात को देखें कि आया कि इसका बाप, आया कि कहीं वो तो नहीं है कि वो जो मैंने बताया कि जी जमील है, चंगेजी है, हलाकू खान है, वो एसबीसीए में, वो केडीए में, वो केएमसी में, वो डीएमसी में, वहां तो नहीं बैठा हुआ, ये बात आप चेक करेंगे। खैर जी, मैसेज बड़ा क्लियर था, सिंध पुलिस इज द लीस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। एक दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, और ये गाइडेंस जो दी जा रही है, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली मेरे कुछ अपने जानने वाले होते हैं, उन लोगों को दी जा रही होती है, अगर आप अब भी पुलिस को करप्ट समझते हैं तो समझें उसमें मैं यही बात, कमेंट जो लोगों के आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि इन लोगों के जानने वाले, इन लोगों के आबाव अजदाद, इन लोगों का पलना, इन लोगों का बढ़ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं केएमसी पर, डीएमसी पर, सुई सदरन गैस पर, महकमा तालीम पर होगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा बोझ उठाकर सिंध पुलिस पे रखना चाहते हैं। खैर जी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।